आज हम बनाने जा रहे हैं लवंग लतिका। ये एक ट्रेडिशनल स्वीट डिश है। लवंग लतिका बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैदा 1 कप, सूजी 1 कप, चीनी लगभग 1/2 किलो, कोकोनट क्रश 2 कप, रिफाइंड ऑयल लगभग 1/2 लीटर और लौंग 15 से 20 नंबर। पहला स्टेप है शक्कर का चाशनी बनाएंगे। उसके लिए गैस ऑन कीजिए और फ्राइंग पैन और कढ़ाई डालिए। जब पैन थोड़ा गर्म हो जाए उसमें 1 कप शक्कर डालिए, फिर 1 कप पानी मिलाइए और उबालते रहिए और इसको कंटिन्यूसली मिलाते रहिए। जब वह अच्छी तरह से मिल जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए, जब देखिए ये थोड़ा स्टिकी जैसा बन जाए तब ये तैयार हो जाएगा। तो उसको एक साइड में उतार के रखिए। फिर दूसरा स्टेप है और सूजी का पुडिंग बनाएगा। उसके लिए स्टोव में कढ़ाई रखिए। जब कढ़ाई थोड़ा गर्म हो जाए उसमें सूजी डालिए लगभग 1 कप और उसको 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच में पकाइए। फिर उसमें फ्रेश कोकोनट क्रश 2 कप मिलाइए। फिर दोनों को अच्छे तरह से मिला दीजिए और धीमी आंच में पकाते रहिए। इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाते रहिए। फिर उसमें 1 कप चीनी डालिए। और तीनों को अच्छे तरह से मिला दीजिए। और स्टोव में पकाते रहिए। ये लगभग 5 मिनट तक पकाते रहिए। जब ये तैयार हो जाए उसको एक बाउल में निकाल लीजिए। अब हमारा पुडिंग रेडी है। तीसरा स्टेप है मैदे का डो बनाएंगे। उसके लिए एक बाउल लीजिए, उसमें मैदा 1 कप डालिए, फिर थोड़ा सा नमक मिलाइए स्वाद अनुसार और 1 छोटा चम्मच रिफाइंड का तेल डालिए। फिर इसको अच्छी तरह से मिलाते रहिए। इसको अच्छी तरह से मिला दीजिए, जैसे तेल नमक अच्छी तरह से मिल जाए, अच्छी तरह से मिलने के बाद फिर 1 चम्मच तेल डालिए। अच्छे तरह से मिला लीजिए। जब अच्छे तरह से मिल जाए थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे तरह से मिलाते रहिए। बीच बीच में पानी डालिए और मिलाते रहिए। इसको तब तक मिलाए जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट डो जैसा बन ना जाए। उसके लिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए और मिलाते रहिए।
अब डो रेडी है। चौथा स्टेप है लवंग लतिका का शेप देना। उसके लिए जो डो हम तैयार किए थे उसको छोटा छोटा बॉल जैसा बनाइए। जब सारे बॉल बन जाए उसको फिर बेलन में रख के छोटे रोटी जैसा बेल दीजिए। फिर इसके बीच में कोकोनट और सूजी का पुडिंग डालिए और चारों तरफ से कवर कर दीजिए। इसको अच्छे तरह से चारों तरफ से बंद कर दीजिए तो ये स्क्वायर का शेप जैसा बन जाएगा। इसको मुंह को अच्छे तरह से बंद कर दीजिए। फिर इसका बीचों बीच में एक लॉन्ग पिन कर दीजिए। ऐसे ही सारे बना दीजिए। आखिरी स्टेप है उसको फ्राई करना। उसके लिए एक कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल डालिए। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसमें लवंग लतिका को एक एक आहिस्ता आहिस्ता डालते रहिए। फिर इसको तेल में अच्छी तरह से पकाते रहिए। इसमें तेल में लगभग 2-3 मिनट तक पकाइए। जब एक साइड पक जाए तो दूसरे तरफ से टर्न कर दीजिए। हमको दोनों तरफ से अच्छी तरह पकाना चाहिए। इसको धीमी आंच में अच्छी तरह से पकाते रहिए। जब इसका कलर थोड़ा सुनहरा जैसा हो जाए तब इसको समझ लीजिए रेडी हो गया। इसको सुनहरा कलर होने तक पकाते रहिए। जब वह अच्छी तरह से पक जाए उसे तेल से निकाल के पहले से बना हुआ चाशनी में डाल दीजिए। जब सारे चाशनी में डल जाए उससे लगभग 1 घंटा तक ऐसे ही रख दीजिए। जब ये चाशनी को अच्छी तरह से सोक कर ले और ठंडा हो जाए तब उसको सर्व कीजिए। ये लवंग लतिका अब रेडी हो गया सर्व करने के लिए।